नमस्कार दोस्तों, मैं मोइन आज आदि ज्योति संस्थान में आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं। और मेरा जो चयन है वो 2017 बैच समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में हुआ है। और आज मैं आप सबको समीक्षा अधिकारी के आगामी एग्ज़ाम और आगामी जो PCS का एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ बातें, कुछ अपना अनुभव शेयर करूंगा। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुभव रहा है समीक्षा अधिकारी का, तो आप सब जानते भी हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है, 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर मैं कहूँ तो जिसमें 140 क्वेश्चन GS के और 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और मेंस में जो सबसे चयन के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो निबंध और जो ऐसा परंपरागत हिंदी और ड्राफ्टिंग का पोर्शन है उस पर ज़्यादा काम करना है, खास करके निबंध पे, क्योंकि निबंध का जो मार्क्स है मेरे हिसाब से वो चयन में अहम रोल अदा करता है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो जो भी समीक्षा अधिकारी के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि निबंध को अच्छे से तैयार करें, परंपरागत निबंध जो आते हैं उन पे फोकस करें ही, साथ में जो करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे हैं उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वर्तमान में करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और वो स्कोरिंग भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें। और इस आदि ज्योति लाइब्रेरी में मैंने आ करके काफ़ी टाइम गुजारा है, अध्ययन किया है, यहाँ से इसका मुझे लाभ मिला है। और त्र्यंबक भाई बहुत ही सहयोगात्मक इनका रवैया रहा है। आप सभी जो भी छात्र लखनऊ में आके तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ आके एक बार आके इस माहौल को देखें कि किस तरह से इन्होंने एक सकारात्मक माहौल पैदा किया है यहाँ पे पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा और आप सब भी आगे एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।